दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंधित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा शनिवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर गुवाहाटी के अध्यक्ष केडी तिवारी के नेतृत्व में शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप भी लगाया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि पुरातन छात्र कार्यक्रम के तहत धन की लूट की जा रही है। इस दौरान संघ के वर्तमान महामंत्री धीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गुवाहाटी के अध्यक्ष केडी तिवारी ने बताया, सेमेस्टर की परीक्षा करवाने के लिए मई में दबाव बना रहे हैं। शोध छात्र, एमए के छात्र, बीएससी के छात्र, बीएससी एजी के छात्र से जबरदस्ती 2000 रुपया लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्राचार्यों पर दबाव बना रहे हैं। प्राचार्यों पर ये इतना दबाव बना रहे हैं कि 2 दिन के अंदर फॉर्म भर देना चाहिए, 4 दिन के अंदर फॉर्म भर जाना चाहिए, नहीं तो 2 दिन के अंदर इंटरनल का मार्क्स चढ़ जाना चाहिए। जबकि राज्य सरकार ने सेमेस्टर और एनएपी 2020 को लागू करने के लिए अलग से किसी भी प्रकार की कोई वित्त की व्यवस्था नहीं की है। सारे विद्यालयों में त्राहिमाम मचा है, लेकिन इस कुलपति को किसी से भी कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ महाविद्यालयों को धन उगाही का केंद्र समझ के ये व्यवहार कर रहा है। ये चूंकि बाहर का कुलपति है, ये लोकल नहीं है, और इसमें से जो अधिकांश शिक्षक है हम लोग यहाँ के एलुमनाई हैं। हम लोग बीए, बीएससी, एमए, एमएससी शोध यहीं से किए हैं। ये विश्वविद्यालय हम लोगों का है, ये विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है।